सो हाई एवरी वन, वेलकम टू द चैनल। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम एक वीडियो बनाएंगे जो कि एनालाइज़ करेंगे प्रीवियस जो पेपर हुआ है अभी 31 अगस्त को, तो FMG का वो पेपर से रिगार्डिंग बहुत सारे इंस्टीट्यूट के टीचर्स ने एनालाइज़ किया है पेपर। आप देखिए, बहुत अच्छे से समझाया हर चीज़, बट अपने लेवल पर जो मैंने समझा, जो मुझे समझ में आया, मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा आज। तो गाइस, बेसिकली मैंने भी अभी मेडिसिन और सर्जरी कंप्लीट नहीं किया है, तो मुझे नहीं पता इंटरनल मेडिसिन और सब जो सर्जरी के क्वेश्चन थे वो टफ थे या नहीं, बट प्री क्लिनिकल जो क्वेश्चन थे वो मुझे लगा कि बिल्कुल भी टफ नहीं थे। बस प्रॉब्लम क्या थी कि लेंथी क्वेश्चन थे थोड़े। अभी मैं पूरा पेपर एनालाइज नहीं करूँगा, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, बट गाइज अभी एग्जाम्पल के लिए अगर ये क्वेश्चन देखें अगर हम, तो इसमें क्वेश्चन है कि पेशेंट हैविंग कंप्लेन विद ऑफ द पेन ऑन द फेस वाइल विच एग्रीवेट ऑन द स्माइलिंग एंड वाइल टचिंग ऑन द फेस व्हाट ड्रग प्रिस्क्राइब टू दिस पेशेंट। सो गाइज, ये क्वेश्चन पूछा गया था फार्मा से। अब ये कहने की बात है कि इस पेशेंट को लेंदी हमने, इस क्वेश्चन को हम लेंदी नहीं कह सकते, क्योंकि गाइज अगर हम इसको, अगर हमने क्लिनिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की होती तो हमें पता होता कि ये क्वेश्चन जो दिखाया गया है वो ना होकर ये क्वेश्चन बस इतना सा है। ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, द क्वेश्चन है व्हाट ड्रग प्रिस्क्राइब टू ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया। बट अगर आपने अच्छे से फार्मा में पढ़ा होगा या अच्छे से आपने मेडिसिन पैथो वगैरह पढ़ा होगा, तो आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा सारे जो फीचर्स हैं वो ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया के हैं। और ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया में कौन सी ड्रग्स का यूज़ करते हैं वो आपने फार्मा में अगर अच्छे से पढ़ा होगा, तो इसका आंसर हमने सीधे सीधे से कार्बामेज़ेपाइन लगा देना है। सो कार्बामेज़ेपाइन दिया जाता है ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया के पेशेंट को, अपनी तरह से हम क्वेश्चन को देख पाए। अगर ऐसे ही अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें गाइस, अ पेशेंट विद एक्यूट चेस्ट पेन वाज गिवन नाइट्रोग्लिसरीन दिया गया है इस पेशेंट को बाय सबलिंगुअल रूट। ऑब्वियसली नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल रूट से ही दिया जाता है। चेस्ट पेन वाज रिलीव्ड विद इन द फ्यू मिनट्स, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो वैसोडायलेशन। अब आप इस क्वेश्चन में सीधे सीधे देख सकते हैं क्या इसको इतना बड़ा हम सोचने की जरूरत थी। अगर हम क्लिनिकल प्रैक्टिस किए हुए थे क्वेश्चन की बहुत सारी, तो हमें क्या ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं हो जाता। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, आंसर आपको सीधा सीधा पता होगा सबको कि स्मूथ मसल में क्या करती हैं, रिलीज करती हैं नाइट्रिक ऑक्साइड को स्मूथ मसल में, उसकी वजह से वैसोडायलेशन हो जाती है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि भले ही लेंदी था, बट अगर हम बहुत सारी प्रैक्टिस किए हुए होते क्लिनिकल क्वेश्चंस की, तो कहीं ना कहीं हमें बस क्वेश्चन इतने की वजह सिर्फ इतना क्वेश्चन दिखता ये, और फिर वही हो जाता। तो ये तो एनालाइज था थोड़ा सा। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ गाइस, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना फॉरेंसिक मेडिसिन से दिया गया था, बट आपको मैं बताऊँ, ये मेरे पास एक बुक है जो कि आप सभी के पास होगी, दैट इज़ बेसिकली जनरल हैंडबुक ऑफ जनरल एनाटॉमी की हैंडबुक, जो कि हम शायद पढ़ते भी नहीं हैं अच्छे से। आप इसको देख सकते हैं, इस FMT का क्वेश्चन जो कि फॉरेंसिक मेडिसिन का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट पेज नंबर 252 पर देख सकते हैं, जो कि लास्ट अभी MCI में पूछा गया है, आप देख सकते हैं इजीली यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन का आंसर आर्च था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्च क्वेश्चन का आंसर है। बट कैसे, क्योंकि आप आइडेंटिफाई करना है आपको फिंगरप्रिंट टाइप, अगर आपने ये हैंडबुक अगर एनाटॉमी पढ़ी होती तो आपको इजीली आंसर आ जाता। अब कहने का मतलब गाइस क्या है अभी तक, जो कि मैं अपने लेवल पर समझ चुका हूँ, क्योंकि गाइस हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, तो अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ आप लोगों से कुछ सीखने को मिले एक्स्ट्रा। तो गाइस बेसिकली मैं जहाँ तक इसको समझाऊँ कि हमें करना क्या है, बहुत सारे, अगर हम दिन में 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो उनमें से 60% क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन होने चाहिए क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन, और बाकी के जो 40% है वो हमें करने हैं वन लाइनर क्वेश्चन, सिंगल लाइनर जो आते हैं। अब इससे होगा क्या, क्योंकि हमारे टाइम तक तो जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तब तक ये नेक्स्ट हो चुका होगा, और नेक्स्ट में बिल्कुल क्लिनिकल केस ही आएंगे, इसी तरह से आएंगे। और ये होगा कैसे, बहुत सारे MCQ प्रैक्टिस करना। MCQs के लिए अगर क्लिनिकल की बात करें, तो आप जो प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं उनकी ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट की आपको BRS की बुक मिलेगी ऑनलाइन, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, उनसे जाकर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कीजिए। लो लेवल से शुरू करिए क्वेश्चन और हाई लेवल तक जाइए, आपको अपना पता चलेगा कहाँ पर कमी है और किस तरह से आगे बढ़ना है। या फिर गाइस क्या कर सकते हैं,
जितनी भी इंस्टीट्यूट का आपके आपने इंस्टीट्यूट में अगर आप कोचिंग में हैं, सब्सक्रिप्शन लिया, आपने कुछ भी किया है, तो वहाँ पर भी आपके क्वेश्चन पेपर क्लिनिकल बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आप प्रैक्टिस कीजिए। बाकी गाइज स्टडी की अगर बात करें तो इंटीग्रल स्टडी चाहिए, यहाँ पर सब्जेक्ट को साथ में कंबाइन करके आपको पढ़ना पड़ेगा अब, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम भी आ रहा है और आगे भी एमसीआई में शायद ऐसा ही होगा। तो अभी क्या हो रहा है गाइज, इंटीग्रल स्टडी आप एनाटॉमी को अगर लेते हैं तो एनाटॉमी आप सर्जरी के साथ ऑर्थोपेडिक्स के साथ मिलाकर कंबाइंडली पढ़िए, या फिर जब आप पैथोलॉजी पढ़ते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि मेडिसिन है और आपके ऑब्स गायनी है, इनके साथ आप कंबाइंड करके पढ़ सकें। तो इससे इंटीग्रल स्टडी से क्या होगा ना कि आपको क्वेश्चन कितना भी लेंथी पूछा गया होगा बट आपको वो अपने लेवल से दिखेगा, जैसे कि ये क्वेश्चन में इतने बड़े क्वेश्चन में बस हमें ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने इंटीग्रल स्टडी करके पढ़ा है। तो बस यही था एक छोटा सा वीडियो गाइस, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइए गाइस कि आपको क्या नई चीज़ और ऐसी लगी जो कि हमें आगे फ्यूचर में तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि गाइस मैं भी नेक्स्ट के टाइम का ही हूँ, अभी मैं आने वाले टाइम पे नेक्स्ट देने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि अच्छे से तैयारी करके जाएँ जो कि पहली बार में ही अच्छे से सिलेक्शन हो।